स्वतंत्र भारत के परतंत्र नागरिक मित्रों, हम कहते हैं हम लोकशाही हैं, मगर हमारे शहनशाह जैसा कोई ट्रीट नहीं करता हमें। और सूचना का अधिकार भारत में जो बना है वो दुनिया के बेहतरीन कानूनों में से एक है, मगर आपने कई बार सुना होगा कि कानून का दुरुपयोग होता है, लोग दुरुपयोग करते हैं सूचना के अधिकार का। हकीकत में सूचना का कानून का दुरुपयोग जनता नहीं कर रही है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर है वो इसके जो एग्जम्पशंस हैं उसका मिसयूज कर रहे हैं। डिफॉल्ट मोड ये है कि सरकार हमारी है, सरकार की हमारी मालिकी है, हम मालिक हैं सरकार के। तो जो भी सूचना सरकार के ड्रॉर्स में है, कबाट में है, कंप्यूटर में है, वो हमें मिलनी चाहिए। सिर्फ कुछ एग्जम्पशंस हैं उसको छोड़ के, मगर वो एग्जम्पशंस को बहुत गलत तरह से इस्तेमाल होता है और इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेंगे आज। अब मैं मेरा प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ। ग्रॉस मिसयूज ऑफ एग्जम्पशंस इन आरटीआई एक्ट 2005 रिजल्ट्स इन इलीगल अमेंडमेंट। ये जैसे ऐसी इतनी बुरी तरह से इसको यूज कर रहे हैं एग्जम्पशंस को कि ये करीब करीब अमेंडमेंट जैसा हो गया, वायलेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, हमारे संविधान के प्रोविजंस को वायलेट करते हुए ये लोग इसको इंटरप्रेट करते हैं। सूचना के अधिकार के तहत सिर्फ सेक्शन 8 में 10 एग्जम्पशन है, उसको ये नहीं पूछना है सूचना के अधिकार में कि कौन सी सूचना मिलेगी कौन सी नहीं मिलेगी, और वो 10 ही प्रकार दिए हैं जिसके बारे में हम थोड़ी सी आज चर्चा कर लेंगे, और वो कैसे गलत तरह से उसको इस्तेमाल होता है उसके बारे में बात करेंगे। सेक्शन 7 देख ले हम, ऑन रिसीट ऑफ अ रिक्वेस्ट अंडर सेक्शन 6 पीआर शैल इज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल इन एनी केस इन 30 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द रिक्वेस्ट either provide the information on payment of such fee as may be prescribed or reject the request for any of the reasons specified in sections 8 and 9. 9 copyright cover karta hai, baki sab 8 mein hi aata hai. Ye bahut mahatva ka hai 7-8. Where a request has been rejected under subsection 1, PIO shall communicate to the person making the request reasons for such rejection. Usko karan dene padte hain reject karne ko. सूचना लेने को हमें कोई कारण नहीं देने का है, मगर सूचना मना करने के लिए उन्हें कारण देने पड़ेंगे, और वो कारण सिर्फ सेक्शन 8 के तहत या किसी का कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट हो तो। ये बहुत महत्व का सेक्शन है सूचना के अधिकार का, सेक्शन 22। द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इनकंसिस्टेंट देयरविथ कंटेन्ड इन द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट एंड एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और इन एनी इंस्ट्रूमेंट हैविंग इफेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ एनी लॉ अदर देन दिस एक्ट। नॉर्मल कानून के इंटरप्रिटेशन में ये झगड़ा ये हो जाता है कि कोई कहता है ये बैंकिंग एक्ट ये कहता है, कोई कहता है कंपनीज एक्ट ये कहता है, कोई कहता है रिजर्व बैंक एक्ट ये कहता है, तो अलग अलग कानून चलते हैं। सूचना के अधिकार का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो आरटीआई एक्ट ओवर रूल करता है बाकी सब कानूनों को, ये इसकी खास बात है, और इस वजह से ये बहुत ही सुपरलेट है। अगर किसी को मना करना है तो सिर्फ आरटीआई के तहत ही मना कर सकता है, दूसरे कानूनों का या दूसरे रूल्स का आधार लेकर नहीं मना कर सकता। अब ये सेक्शन 8 हम देख लेते हैं। Notwithstanding anything contained in this act, there shall be no obligation to give any citizen information disclosure of which would prejudicially affect the sovereignty and integrity of India, the security, strategic, scientific or economic interests of the state, relation with foreign state or lead to incitement of an offence. इसको मिसयूज कैसे करते हैं PIOs? वो जब चाहे तो लिख देते हैं सेक्शन 81A के तहत हम नहीं देंगे सूचना। अरे भाई कौन से कारण है इसमें? इसमें अलग अलग प्रकार हैं, इसकी वजह से सॉवरेनिटी हर्ट होगा, इंटेग्रिटी हर्ट होगा, देश का सिक्योरिटी हर्ट होगा, ये कुछ भी बताए बिना सेक्शन 81A लगा देते हैं, और आदमी समझता है कि उसने सही किया, ये गलत है, और उसको ये बताना चाहिए कि उस वो जो भी बताए वो कहे देश की सिक्योरिटी को हर्ट होगा, तो फिर उसको समझाना चाहिए कि कैसे देश की सिक्योरिटी को आधार कुछ हो सकता है। बी, इंफॉर्मेशन व्हिच हैज बीन एक्सप्रेसली फॉरबिडन टू बी पब्लिश्ड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ और ट्राइब्यूनल ऑफ द डिस्क्लोजर ऑफ व्हिच मे कॉन्स्टिट्यूट कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट। मिसयूज, डिनाइंग इंफॉर्मेशन टू द मैटर इज सब ज्यूडिस। सब ज्यूडिस होने से इंफॉर्मेशन डिनाई नहीं की जा सकती, कानून में सब ज्यूडिस नहीं लिखा, पार्लियामेंट को सब ज्यूडिस शब्द पता था, पर उन्होंने ये लिखा कि एक्सप्रेसली फॉरबिडन टू बी पब्लिश्ड। अगर कोई मना करता है 81B के तहत तो आपको ये कहना चाहिए कि मुझे ऑर्डर बताओ कोर्ट का जो कहता है कि ये सूचना नहीं देने की। ऐसे ऑर्डर के बिना ये रिजेक्ट करना ये गैर कानूनी है और कानून के विरुद्ध है।
सी है, इंफॉर्मेशन विच वुड कॉज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, किस प्रकार का ये है इंफॉर्मेशन। कई बार इंक्वायरी कमीशन के रिपोर्ट्स होते हैं, कानून में ऐसा प्रावधान है इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट में कि 6 महीने तक में उसको पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर को प्रेजेंट करना चाहिए, उसके पहले अगर आप मांगते हैं तो ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो सकता है। अगर 6 महीने हो गए और अगर गवर्नमेंट ने वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर में नहीं रखा तो आप मांग सकते हैं, उसे देना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने ब्रीच कर लिया प्रिविलेज का। ये चीज समझ लीजिए, इसको छोड़ के ये जो 10 है इसको छोड़ के बाकी सब सूचना डिफॉल्ट मोड इज आपको मिलना चाहिए। D81D इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग कमर्शियल कॉन्फिडेंस ट्रेड सीक्रेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी द डिस्क्लोजर ऑफ व्हिच वुड हार्म द कॉम्पिटिटिव पोजीशन विद थर्ड पार्टी क्लेमिंग एग्जेम्प्शन बिकॉज इट इज कमर्शियल कॉन्फिडेंस। कुछ लोग कहते हैं कमर्शियल कॉन्फिडेंस है, ये बताना चाहिए कमर्शियल कॉन्फिडेंस है और किसी का कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट हर्ट होगा। उदाहरण के तौर पर अगर टेंडर नहीं दिया है तो टेंडर देने के पहले ये क्लॉज इस्तेमाल हो सकता है, एक बार टेंडर अवार्ड हो जाए तो ये नहीं कह सकता है किसी का कॉम्पिटेटिव इंटरेस्ट हर्ट होगा एंड देयरफॉर ये सूचना देनी पड़ेगी। इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू अ पर्सन इज फाइड्यूशियरी रिलेशनशिप, ये फाइड्यूशियरी रिलेशनशिप बहुत कम लोग समझते हैं, साधारण सरकारी नौकर भी नहीं समझता है। वो कहता है जिसको फेथ है, ट्रस्ट है, तो कहता है सरकार पे फेथ है, इसके लिए किसने दिया, ये फाइड्यूशियरी रिलेशनशिप है, गलत है। ट्रेडिशनल फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स डॉक्टर पेशेंट, लॉयर कस्टमर, चार्टर्ड अकाउंटेंट कस्टमर, बैंक कस्टमर, ये दीज आर द ट्रेडिशनल फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कोई आदमी सूचना देता है अपने बारे में ऐसे व्यक्ति को और इसलिए कि उसके काम के लिए वो इस्तेमाल करे, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, लॉयर को, डॉक्टर को, अगर मैं जाके कुछ सूचना देता हूँ तो मेरे बेनिफिट के लिए देता हूँ। आई हैव अ चॉइस ऑफ हू टू गिव द इंफॉर्मेशन टू, कोई कंपल्शन नहीं है कि मुझे इधर ही देना है या उधर देना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को या लॉयर मुझे सिलेक्ट करना है, ऐसी भी कोई बात कंपल्शन नहीं है। हाँ, आई हैव फेथ, आई हैव ट्रस्ट इन द पर्सन टू हुम आई गिव द इंफॉर्मेशन। मैं लॉयर या बैंकर या चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर मुझे फेथ होगा तभी रखूंगा, नहीं तो नहीं उसको रखूंगा। मगर 99% जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं सरकार में वो फाइड्यूशियरी रिलेशनशिप में नहीं होते हैं। और ये पीआईओ ये कहते हैं कि क्लेमिंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू गवर्नमेंट इज गिवन इंटरेस्ट, सरकार को दिया मतलब सरकार पे विश्वास है, ऐसी बिल्कुल गलत है। इन्फॉर्मेशन विच वुड इंपीड द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन और अप्रिहेंशन और प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर्स, ये बहुत कॉमनली यूज होता है जब कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है और सिटीजन कहता है आरटीआई मांगने वाला कि मुझे इसका प्रोग्रेस चाहिए क्योंकि उसे लगता है कि कुछ काम नहीं हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, तो ये इस्तेमाल कर देते हैं 81H कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इसके लिए नहीं देंगे, गलत है। रिफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द ग्राउंड दैट इन्वेस्टिगेशन इज ऑनगोइंग, इस कारण से मना नहीं किया जा सकता है, उसको ये बताना होगा कि कैसे ये सूचना देने से इन्वेस्टिगेशन इंपीड होगा, उसमें बाधा आएगी। 9-7 cases out of 10 जिस आदमी ने कंप्लेंट दी होती है वही इसकी प्रोग्रेस मांगता है क्योंकि उसे लगता है कि मैं दबाव डालूं ताकि पुलिस या जो भी एजेंसी है वो कुछ आगे बढ़े, जो जिसे कंप्लेन की है उसके लिए ये इस्तेमाल करना है तो हास्यास्पद है। जिसे कंप्लेन की है वो इंपीड कर ही नहीं सकता इन्वेस्टिगेशन को और इसलिए ये सूचना देनी ही चाहिए। सेक्शन 81I कैबिनेट पेपर्स इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स ऑफ डेलिब्रेशंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज एंड अदर ऑफिसर्स, provided that the decisions of councils of ministers, the reasons thereof and the material on the basis of which the decisions were taken shall be made public after the decision has been taken and the matter is complete or over. ये बहुत ही interesting exemption है। Cabinet papers including records of deliberations of the councils of ministers, secretaries and other officers exempt है, किंतु provided that the decisions of councils of ministers, the reasons thereof and the material on the basis of which the decisions were taken shall be made public after the decision has been taken and the matter is complete or over. एक बार निर्णय ले लिया किसी बात में उसके बाद सरकार पे दबाव है कि उसे खुद ब खुद पब्लिक करना चाहिए। जैसे एक उदाहरण के तौर पे देता हूं, अगर कोई बिल प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में तो एक बार डिसाइड कर लिया कैबिनेट ने तो डिसीजन हो गया, उसके बाद उसको पब्लिसाइज करना चाहिए और पार्लियामेंट में रखना चाहिए या लेजिस्लेचर में रखना चाहिए, उसके बाद वहां बहस होनी चाहिए।
जनता को भी इसके बारे में टिप्पणी करने का, प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करने का टाइम मिलना चाहिए, तभी वो लोकशाही सच है, अदरवाइज लोकशाही बकौल है। इस क्लॉज में बहुत कम देते हैं, मैंने इनफैक्ट ऑर्डर्स दिए थे कि जब भी कोई बिल प्रेजेंट होता है पार्लियामेंट में तो उसके एक हफ्ते के अंदर जो कारण और जो डिस्कशन हुआ उसको सब सूचना वेबसाइट पे डालनी चाहिए। सबसे कॉमन मिसयूज होता है 50% आरटी एप्लीकेशंस का 81J पे, इसको बहुत गौर से समझ लीजिए। Information which relates to personal information, the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest, or which would cause invasion of the privacy of the individual. फिर public interest override की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि public interest establish करना बहुत ही कठिन है, और public interest तभी establish करने की जरूरत होती है जब exemption लागू होता है। कोशिश ये करनी चाहिए ये बताने को कि ये exemption लागू ही नहीं होता है, मगर इसको एक acid test दिया गया। Provided that the information which cannot be denied to the parliament or a state legislature shall not be denied to any person. Sirf is clause ke liye ye diya gaya hai. Information could be denied if it was personal information. And bahut sare exemption maine dekhe hain, bahut sare rejections dekhe hain jisme likhte hain personal information hai. Aapka naam personal hai, aapki surname personal hai, aapke baal personal hai, aapka photo personal hai, sab kuch personal hai. Relating to a normal person is personal. मगर पर्सनल इंफॉर्मेशन होने से कानून ने नहीं कहा कि एग्जम्प्ट है। तो एंड ए डिस्क्लोजर हैज नो रिलेशनशिप टू एनी पब्लिक एक्टिविटी और इंटरेस्ट और इट इज अनवारंटेड इन्वेजन ऑन द प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल। 99% चीजें जो सरकारी रिकॉर्ड में होती है वो पब्लिक रिकॉर्ड होते हैं और उनमें पब्लिक एक्टिविटी के रिजल्ट होते हैं वो। अब प्राइवेसी का मतलब क्या है, इसमें बहुत बहस चलती है कि सब कुछ प्राइवेसी है। जैसे ये सूचना का अधिकार का कानून आया उसके बाद ये प्राइवेसी की चर्चा बहुत चली, इसके पहले इतनी प्राइवेसी की चर्चा नहीं थी, क्योंकि उनको इंफॉर्मेशन नहीं देने के अधिकार है या इंटरेस्ट है। पुट्टस्वामी जजमेंट ने कह दिया प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजंस, मगर अगर आप पूरा जजमेंट पढ़े तो कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता है कि प्राइवेसी मतलब क्या। और यही प्रॉब्लम पीआईओ को भी आएगी ये सोच के पार्लियामेंट ने ये स्पेसिफिक प्रोविजो दिया, provided that the information which cannot be denied to parliament or a state legislature shall not be denied to any person. जो भी 81J में इस्तेमाल करता है उसे ये कहना चाहिए कि ये personal information है, disclosure public activity की वजह से है या नहीं, disclosure से invasion of privacy होगा या नहीं, और जो भी कहता है 81J claim करता है उसे ये के देना चाहिए कि मैं ये सूचना parliament को या state legislature को नहीं दूंगा। इसके बिना ये गलत है। अब इसको जरा थोड़ा गौर से देखिए, जैसे मैंने कहा 50-60% और ये एक सेक्शन लेके पूरे कानून को ध्वस्त कर रहे हैं। The only permissible restrictions on Article 19(1), Article 19(1) में अपना फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्री स्पीच, राइट टू पब्लिश, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सब आर्टिकल 19(1)(a) के तहत है। उसमें कुछ भी बाधा डालने को, कोई रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ही प्रोविजन चाहिए। आर्टिकल 19(2) वो प्रोविजन है विच परमिट्स रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी ऑफ मोरालिटी, और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। इसको गौर से जरा देखिए, प्राइवेसी से लगते दो ही शब्द हैं इसमें, रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट वगैरह से प्राइवेसी को कोई लेना देना नहीं है। प्राइवेसी से दो ही शब्द हैं, डिसेंसी और मोरालिटी। अगर किसी डिस्क्लोजर से डिसेंसी वायलेट होगी या मोरालिटी वायलेट होगी, नैतिकता या शीलता अगर वायलेट होगी, तो वैसी सूचना पार्लियामेंट को भी नहीं देनी चाहिए और आरटीआई में भी नहीं देनी चाहिए। उसको छोड़ के बाकी सब सूचना देनी चाहिए ये कानून कहता है, मगर बहुत गलत तरह से इसका इस्तेमाल होता है। आर राजगोपाल का सुप्रीम कोर्ट का केस 1994 में आरटीआई एक्ट आने के पहले आया था, जिसमें ये क्लियरली लिखा था कि सिटीजन इज द राइट टू सेफगार्ड द प्राइवेसी ऑफ हिज ओन, हिज फैमिली, मैरिज, प्रोक्रिएशन, मदरहुड, चाइल्ड बेयरिंग एंड एजुकेशन अमंगस्ट अदर मैटर्स। मतलब कुछ सीमा बांध दी थी कि प्राइवेसी का क्या मैटर है। नन कैन पब्लिश एनीथिंग कंसर्निंग द अबव मैटर्स विदाउट हिज कंसेंट, विद द ट्रूथफुल और अदरवाइज, एंड विद द लॉडिटरी और क्रिटिकल। Once a matter becomes a matter of public record,
the right to privacy no longer subsists, and it becomes a legitimate subject for comment by press or media. Similarly, we are of the opinion, however, that in the interest of decency, an exception must be carved out to this rule, which is a female who is the victim. इस तरह की चीज जो डिसेंसी या मोरालिटी को वायलेट करे वो सूचना के अधिकार में भी नहीं ली जाती, उसको पब्लिश भी नहीं करना चाहिए. In the case of public officials, it is obvious right to privacy, or for that matter, the remedy of action for damages is simply not available. मतलब privacy का public records में जो matters हैं, जो documents हैं, records हैं, उसमें privacy को claim public servants कर ही नहीं सकते हैं. ये आर राजगोपाल का clear ratio है, बहुत लंबा जजमेंट है. आरटीआई अपना मौलिक अधिकार है जिसमें फ्री स्पीच, पब्लिशिंग, वोटिंग और इंफॉर्मेशन सब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट्स के हिसाब से. किंतु इसको बहुत सारी पीआईओस लास्ट तक आए तो सेक्शन 81J इज बीइंग मिसयूज्ड बाय रीडिंग दस इंफॉर्मेशन व्हिच रिलेट्स टू पर्सनल इंफॉर्मेशन करके वो कहते हैं हम इसको एग्जम्प्ट कर देंगे. अगर कोई आपको रिजेक्ट करे आपके इंफॉर्मेशन को पर्सनल इंफॉर्मेशन 81J कह के, तो ये कहिए कि आप बताइए ये पब्लिक एक्टिविटी का रिजल्ट है या प्राइवेट एक्टिविटी का. दूसरा ये बताइए कि ये प्राइवेसी को इंक्लूड करता है तो डिसेंसी या मोरालिटी किसको इंक्लूड करता है. और आप ये इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट को नहीं देंगे ये आप लिख के लीजिए. ये सब लिए बिना सूचना के अधिकार के तहत इसको देना चाहिए. गिरीश रामचंद्र देशपांडे का एक बहुत ही मेरे अनफॉर्चुनेट डिसीजन है, मगर एसएलपी में था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया कि ऑल पर्सनल इंफॉर्मेशन इज एग्जेम्प्टेड, जो गलत है, कानून के खिलाफ है, संविधान के भी खिलाफ है. गिरीश देशपांडे जजमेंट इज नॉट अ प्रेसिडेंट लेइंग डाउन द लॉ. आरटीआई एक्ट के तहत लिखा है कि ये खुद ब खुद डिस्क्लोज करना है. द मंथली रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय ईच ऑफ इट्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज, ये भी आजकल पर्सनल बोल रहे हैं. मतलब कानून को ही कंप्लीट तोड़ मोड़ रहे हैं, इंक्लूडिंग द सिस्टम ऑफ कॉम्पेंसेशन, इफ बजट एलोकेटेड टू ईच एजेंसी इंक्लूडिंग इंडिकेटिंग द पर्टिकुलर ऑल प्लान्स प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर्स एंड रिपोर्ट्स ऑन डिसबर्समेंट्स, द मैटर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सब्सिडी प्रोग्राम, सब्सिडी जहां देते हैं किसको दी कितनी दी, इसको तो सुओ मोटो डिक्लेयर करना है. आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करने की जरूरत नहीं है. पर्टिकुलर्स ऑफ रिसिपिएंट्स ऑफ कंसेशंस परमिट्स ऑथराइजेशंस ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट, DOPT का ऑफिस मेमोरेंडम है 15 जुलाई 2013 का कि ऑल ट्रांसफर ऑर्डर्स शुड बी पब्लिसाइज्ड थ्रू द वेबसाइट और इन एनी अदर मैनर लिस्टेड इन सेक्शन 4.4. ट्रांसफर्स की डिटेल्स, ये सब पर्सनल इंफॉर्मेशन है. गिरीश देशपांडे का हवाला देके कई PIOs रिफ्यूज कर रहे हैं, कई कोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन कमीशन भी रिफ्यूज कर रहे हैं. इसे चैलेंज करना बहुत ही जरूरी है. मिसयूज ऑफ एग्जम्पशन, अच्छा, और एक जो बहुत ही पॉपुलर मिसयूज है Section 11(1). 11(1) क्या कहता है? Where a public information officer intends to disclose any information or record or part thereof on a request made under this act which relates to or has been supplied by a third party and has been treated as confidential by that third party, the PIO shall within 5 days from the receipt of the request give a written notice to such third party of the request on the fact that the PIO intends to disclose the information or record or part thereof and invite the third party to make a submission on writing or orally regarding whether the information should be disclosed, and such submission of the third party shall be kept in view while taking a decision about disclosure of information. Kai baar PIO ye kehta hai ye third party ki information hai, dusre kisi party ki information iske bare nahi dunga. Galat. Third party is a process, section 11 process hai, एग्जम्पशन नहीं है. एग्जम्पशन सिर्फ सेक्शन 8 और 9 के अंदर है. तो 11(1) में जब कोई कहता है कि मैं नहीं दूंगा क्योंकि थर्ड पार्टी है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कानून में, वो घर का कानून बना रहा है. अच्छा, मान लीजिए वो पूछ लिया, वो कहता है मैंने थर्ड पार्टी को पूछा, थर्ड पार्टी ने बोला नहीं देना है तो नहीं दूंगा. कानून क्या कहता है? इंटेंड्स टू डिस्क्लोज एनी इंफॉर्मेशन. वो कब इंटेंड कर सकता है आपको इंफॉर्मेशन देने की? जब उसे लगता है कि एग्जम्प्ट नहीं है. तो थर्ड पार्टी को पूछता है, उसको मौका देता है ये बताने को कि कौन सा एग्जम्पशन लागू होगा, और जो भी थर्ड पार्टी बताएगा, एंड सच सबमिशन ऑफ थर्ड पार्टी शुड बी केप्ट इन व्यू व्हाइल टेकिंग अ डिसीजन. मतलब पीआईओ फिर सोचेगा कि कहीं कोई एग्जम्पशन लागू होता है जो मैं मिस कर गया, तो उसको ये बताना है कि ये थर्ड पार्टी
के वजह से नहीं, थर्ड पार्टी को पूछा, थर्ड पार्टी ने मना किया, और मेरे हिसाब से मेरा पहला निष्कर्ष जो था कि एग्जम्प्ट नहीं है वो गलत था, और ये एग्जम्प्शन लागू होता है ओनली ऑन सेक्शन 8 और 9 कैन इंफॉर्मेशन बी रिफ्यूज, नो अदर रीजन. थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन और थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन इज नॉट एग्रीड, ऐसा कह के कोई बड़ा नहीं कर सकता है. धन्यवाद.